आज के वक्त में साथियों, हम सबके सामने एक विकल्प बचा है कि हम अपने फेफड़ों को मजबूत रखें, लंग्स को मजबूत रखें, और अगर मेडिकल टर्म्स में करें तो अपनी वाइटल कैपेसिटी को लंग्स की मजबूत रखें। और इस वीडियो में वो सब दवाएं हैं जो आपके किसी न किसी रूप में लाभ में आ सकती हैं। मैं निवेदन करूंगा साथियों कि आज के इस कठिन दौर में यह वीडियो समाज के बहुत काम का है। मैं आपको एक उपहार दे रहा हूं, इस वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार साथियों, आज के वक्त में लंग्स यानी फेफड़े हम लोग के बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन बन गए हैं, क्योंकि समस्या इन्हीं पे आ रही है। और हम तलाश रहे हैं वह उपाय जिनसे हम अपने लंग्स को मजबूत कर सकें। मेडिकल टर्म्स में साथियों बात करें तो लंग्स के मजबूत करने को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। अगर आपके लंग्स की वाइटल कैपेसिटी अच्छी है तो आपके लंग्स मजबूत हैं। इस वीडियो में साथियों हम आपको कुछ दवाएं बताएंगे जो आपके लंग्स की वाइटल कैपेसिटी को मजबूत करेंगे। और जब आपके लंग्स की वाइटल कैपेसिटी मजबूत होगी साथियों, तो आप इन्फेक्शन से बचेंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप बेहतर रहेंगे। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं वाइटल कैपेसिटी है क्या आखिर। वाइटल कैपेसिटी साथियों समझने के लिए आपको तीन बातें और समझनी पड़ेंगी, या तीन टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे साथियों। वाइटल कैपेसिटी आपके टाइडल वॉल्यूम, आपके इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आपके एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का टोटल सम होता है। अब सवाल होता है टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, आईआरवी क्या होता है, ईआरवी क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम साथियों वो हवा की वॉल्यूम होती है जो आप लंग्स में नॉर्मल सांस लेते हैं और निकालते हैं बिना किसी ताकत के, वो टाइडल वॉल्यूम होती है। केवल 10% होती है, केवल हम लोग 10% सांस ले रहे होते हैं। यहीं पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, केवल हम लोग 10% एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। दूसरा टर्म आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी। आईआरवी साथियों वो स्थिति होती है कि जब आप एयर को इनहेल करने के बाद जितना और खींच के इनहेल कर पाते वो आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। और तीसरी टर्म होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो एयर जो आप नॉर्मल निकालने के बाद, एक्सहेल करने के बाद और एयर को बाहर फेंक पाते अपने फेफड़ों से, वो ईआरवी होती है। तो टाइडल वॉल्यूम साथियों 4800 ml होती है, अबाउट 4800 ml होती है। और ये वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग 4800 ml होती है लगभग, जो कि टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का टोटल सम होता है। अगर आपके लंग्स की टाइडल वॉल्यूम अच्छी, वाइटल कैपेसिटी अच्छी है तो आपके लंग्स मजबूत हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी दवाएं जो आपके लंग्स की वाइटल कैपेसिटी को मजबूत करें, और वो दवाएं जिनके लंग्स कमज़ोर हैं उनके लंग्स भी वापस ठीक हों। दवाएं साथियों बहुत कारगर हैं, लेकिन हम आपसे विनती करेंगे साथियों, आज के कठिन दौर में कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे मत लीजिएगा। कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा कर ही कोई भी दवा लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों उस सफ़र पे जिस पे आपको बताते हैं कुछ दवाएं। देखिए, इन चीज़ों की कोई एक दवा नहीं हो सकती, एक दवा से सब पूरा शरीर नहीं हो सकता। होम्योपैथी सिम्टम की बात है, तो अगर वास्तविक वीडियो बनना है तो सिम्टम्स की चर्चा होनी चाहिए। तो चलते हैं साथियों आपको बताते हैं कुछ दवाएं जो आपके लंग्स की वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाएंगी। पहला सिम्टम साथियों आता है उन लोगों की, लंग्स की वाइटल कैपेसिटी की हम बात करेंगे, लंग्स मजबूत करने की बात करेंगे, जिनको लेटने पे सांस फूलती है। जब मरीज लेटता है तो उसको सांस फूलती है, और जब वो चलता है तो उसको आराम मिलता है। तो लेटने से सांस फूलने पर होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बढ़ाने की, आर्सेनिक एल्बम। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत है, उसकी सांस फूल रही है और लेटने में उसकी सांस और ज़्यादा फूलती है,
और वह नर्वस रहता है और एंजाइटी उसको रहती, बेचैनी उलझन बनी रहती है, तो आर्सेनिक एल्बम आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। इसको 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार देकर आप मरीज को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। एक स्थिति साथियों आती है, किसी मरीज के सांस फूल रही हो, उनके एलर्जीज हों, तो अगर किसी मरीज को एलर्जीज हैं और उनकी सांस फूल रही है तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ब्लाटा का मदर टिंचर, ब्लाटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर। आप इसकी 20 बूंद सुबह शाम मरीज को दीजिए जिनको कि एलर्जीज है, उनकी सांस फूलती है, जीना वो चढ़ नहीं पाते हैं, स्टेयर्स वो क्लाइम नहीं कर पाते हैं और उनको खांसी आके सांस फूलने लगती है, उस केस में ब्लाटा आपकी हेल्प करेगी। एक सिम्टम आता है साथियों, लोगों के लंग्स कमजोर हैं, उन लोगों के जिनको कि खांसते खांसते उल्टी होने लगती है, उकाई होने लगती है, तो अगर यह सिम्टम हो साथियों कि खांसते खांसते उल्टी या उकाई होती हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है इपिका। आप इपिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, इससे आपकी खांसी भी रुकेगी और इसके कारण जो उल्टी हो रही है वह भी खत्म होगी। एक साथियों सिम्टम आता है, किसी के लंग्स कमजोर हैं, फेफड़े कमजोर हैं, उनकी वाइटल कैपेसिटी कम है, वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं और उनको सफोकेशन महसूस हो रहा है, सीने पे कसाव महसूस हो रहा है, तो अगर साथियों यह स्थिति हो कि किसी मरीज को सफोकेशन महसूस हो रहा हो, सीने पे कसाव महसूस हो रहा हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है लोबेलिया इन्फ्लेटा। आप लोबेलिया इन्फ्लेटा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, यह दवा आपके सीने के कसाव को ख़त्म करेगी, सफोकेशन को ख़त्म करेगी और आपको ठीक करेगी। एक साथियों सिम्टम आता है, किसी मरीज के आ सकता है कि जैसे ही जकड़न हुई, जैसे ही नज़ला हुआ वैसे ही सांस फूलने लगी, तो अगर किसी को कोल्ड का अटैक पड़े और उनकी सांस फूलने लगे तो उस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है नेट्रम सल्फ्यूरिकम। 200 पावर में 2-2 बूंद आप हफ्ते में मरीज को दे सकते हैं, इनसे उनके लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बढ़ेगी और जब वाइटल कैपेसिटी बढ़ेगी तो सांस नहीं फूलेगी। एक साथियों ऐसी स्थिति आती कि मरीज इतने खांसे कि उनका चेहरा नीला पड़ गया, अगर साथियों यह स्थिति हो जाए, शरीर में ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाए वाइटल कैपेसिटी कम होने से, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में नंबर एक दवा है कार्बो वेजिटेबलिस। आप कार्बो वेजिटेबलिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिनको कि बहुत सांस फूल रही है, उनके फेफड़े बहुत कमजोर हैं और खांसते खांसते उनका चेहरा नीला पड़ गया है और बहुत वीकनेस उनको है, तो कार्बोवेज ऐसे मरीज की मदद करेगी। एक साथियों स्थिति आती है, मरीज की वाइटल कैपेसिटी बहुत कम है और उसको बहुत नर्वसनेस है, बहुत ही चिंता में वो व्यक्ति है, तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों की बहुत नर्वसनेस और वाइटल कैपेसिटी कम हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है काली कार्बोनिकम। आप काली कार्ब 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं, यह दवा लंग्स की वाइटल कैपेसिटी भी बढ़ाएगी और मरीज की नर्वसनेस को भी ख़त्म करेगी। ये साथियों कुछ दवाएँ थी होम्योपैथी में जो आपके फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, और आज के इस कठिन वक्त में आपको अपने लंग्स को मजबूत रखना है, मेडिकल टर्म्स में कहें तो उनकी वाइटल कैपेसिटी आपको बढ़ी रखनी है। आप इन दवाओं का सिम्टम के हिसाब से जानकारी ले सकते हैं, किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा सकते हैं और फिर इन दवाओं में से जो वह चिकित्सक है उनको आप ले सकते हैं। मन में कोई क्वेरी हो साथियों तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों आपसे कि समाज हित में आज के इस वक्त में इस वीडियो को शेयर करिएगा, ये बहुत कीमती जानकारी है, हो सकता है आप भगवान न करे आपको इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन कोई ऐसा होगा जिसको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। साथियों आपने अपना वक्त हमको दिया, हमको सुना, इसके लिए आपको हृदय से आभार, हृदय से साधुवाद। आज के इस कठिन वक्त में आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक कामना करता है। धन्यवाद।